भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मियां बीवी के बीच कभी कभी ऐसा बवाल हो जाता है कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तस्वीरों में मुंह खोले दिख रहे ये जनाब का नाम मुन्ना है और मुंह इसलिए ये खोले हैं कि इनकी बीवी ने इनकी जुबान काट दी है। जुबान कटते ही मुन्ना को आनन फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मुन्ना की बीवी के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुन्ना की बीवी ने मुन्ना की जुबान काट दी। मामला लखनऊ के ठाकुरगंज का है। दरअसल महिला की तबीयत ठीक नहीं थी और मुन्ना जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से दोनों के बीच में विवाद हुआ और मुन्ना की बीवी ने मुन्ना की जुबान काट दी। जी जबरदस्ती कर रहे थे, हमारे तबीयत खराब थी, बुखार था, हम लेटे हुए थे, आकर जबरदस्ती करने लगे, मेरे मुंह के अंदर अपना मुंह घुसोड़ने लगे। हम कह रहे हटो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरी माँ खत्म हो चुकी, अभी अभी तभी जबरदस्ती करने लगे, हम इनको हटा रहे थे, ये सुन ही नहीं रहे थे। इस मामले में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और वहीं घायल मुन्ना को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। लखनऊ पर एक पति पत्नी के मध्य विवाद का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें पति जिनका नाम मुन्ना है उसने यह आरोप अंकित किया है कि उसकी पत्नी ने विवाद के दौरान उसे आहत किया और उसकी जो जीभ है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। इस संबंध में थाना ठाकुरगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो पति मुन्ना है उन्हें चिकित्सा हेतु अस्पताल में भेजा गया है।